न्यूज फॉरम की मेंबरशिप जारी है और इस मेंबरशिप के सिलसिले में इंतजामिया से आप रुजू कर ले। दूर पड़े मोहम्मद वाले जब जवानों को और बिलखसूस अगर उम्मीद एतबार से बात की जाए तो मोमिनीन को अपने जज्बात पर कंट्रोल की बात की जाती है तो करबला से बेहतर इसकी मिसाल कहीं नहीं दिखाई देती। अल्लामा नक़वी फरमाते हैं कि पूरे का पूरा इस्लाम कुर्बानी पर पेश करता हुआ दिखाई देता है। जज्बात की कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी, अपने एहसास की कुर्बानी, यहां तक के फरमाए कि जो ये लफ्ज शहादत है अल्लामा नक़वी फरमाते इतना आसान लफ्ज नहीं है। कह देना बहुत आसान है कि मुझे शहादत चाहिए, मगर शहादत भी दीन से पूछी जाए कि क्या होती है। अगर दीन जिस मकाम पर जान को मांग रही है, दीन ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए, तो उस मकाम पर जान देने का नाम शहादत है। मगर अगर दीन ने ना मांगा हो और इंसान अपनी जान दे दे तो इसका नाम फिर हलाकत, इसका नाम शहादत नहीं है। हर मकाम पर अपनी जान को पेश कर देना ये ऐन दीनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं हुआ करता। करबला में यही दिखाई देती है। क्या मुस्लिम इब्ने मौजूदा के अंदर जो जोश और जज्बा और जो शहादत का शौक था क्या वो इमाम हुसैन के भाइयों से ज्यादा शौक और जज्बा था? क्या वो शौक और जज्बा जो कि हबीब इब्ने मताई में था, जो जज्बा शहादत उनमें दिखाई दे रहा था, क्या वो अब्बास बिलावल से ज्यादा था? अगर ज्यादा नहीं था तो ये लोग पहले शहीद हो गए और ये लोग बाद में शहीद हो रहे हैं, तो क्या जो पहले शहीद होते उनका मकाम और रुतबा बढ़ गया? अल्लामा नक़वी फरमाते हैं नहीं, जो पहले चला गया वो हुक्म इमाम के तहत किया, जो बाद में गया वो भी हुक्म इमाम के तहत किया। यानी अगर जो बाद में गया वो पहले चला जाता तो फिर शहादत में हलाकत होती। इसे अब्बास बहुत अच्छी तरह समझते थे। यही वजह है कि जब दो मुहर्रम को अरे वो वक्त आता है जब इन खेमों को हटाने का हुक्म किया जाता है, अल्लामा नक़वी फरमाते हैं कि तारीख गलत पड़ी जाती है। इस मौके पर अब्बास आके नहीं भरे थे, ज़ुहैर इब्ने कैल आके भरे थे और कहा थे कि मौला ये 1000 का लश्कर है, अरे इस लश्कर को खत्म किया जा सकता है, आप हुक्म दे आज इस लश्कर को खत्म करके, जब यही खत्म कर दी जाती है लेकिन कल अगर इनकी तादाद बड़ी तो मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इमाम एक मरतबा कहते हैं ये हमारी शान के खिलाफ है कि जंग में पहल हमारी जानिब से हो। बस अब्बास ने जुमला अपने पास महफूज कर लिया और ये उसूल था इमाम का दिया हुआ। मेरा पास कभी कुछ ना बोले अरे मौला ने कहा खैर में हटाओ, अब्बास ने खैर में हटा दिए, सात मुहर्रम को पानी बंद किया गया, अब्बास खामोश है। अरे पूछे उससे जिसे मानदाही करबला में हुसैन का मददगार के तौर पे था, अली अरे 31-32 साल पहले अकीज जिसे तलब इसीलिए कर रहे थे कि कोई हो जो करबला में मेरी निशानी बने, अरे मेरी जानिब से मेरे हुसैन का मददगार बने, मगर वो सकीना को प्यासा देख रहा है, अरे इमाम पंजुम का गुमराह है वो अकेला देख रहा है, अरे खाली खाली मस्जिदों को देख रहा है मगर खामोश दिखाई दे रहा है। आज जो जोर है बाजू तलवार पे लगना चाहिए था अब वो बेचे में लग रहा है, अरे कुएं खोदे जा रहे हैं मगर अब्बास कुछ नहीं कहते, तारीख बताती कि 9 मुहर्रम का दिन है और जोहर का वक्त गुजर चुका है, दुश्मन की फौजें आगे बढ़ती है, कोई हमला करना चाहती है, ऐसे में तो मर्तबा शहजादी ज़ैनब अरे पिता को तलब करके कहती है फौजें आगे बढ़ गई है, तो भैया कहाँ है? पिता जाकर तलाश करती है, कहा के अरे खैमे के बाहर, खैमे के बाहर आराम फरमा रहे हैं। बहन जाकर भाई को जगाकर कहती है भैया दुश्मन ने हमला कर दिया है। बस एक मर्तबा बहन और भाई की गुफ्तगू चलती है और चल रही होती है, ऐसे में अब्बास का रंजान अब्बास तशरीफ लाता है और लाने के बाद अब्बास कहते हैं एक अजीब जुमला कहते हैं, अल्लामा नक़वी कहते हैं जुमले पे गौर कीजिएगा, फरमाया ये नहीं कि मौला जंग की इजाजत दे, कहा कि मौला हमला हो चुका है, कहा इतना क्यों दे रहे हैं, अरे हमला हुए बहुत देर हो चुकी है, ताखीर क्यों है? कहा मौला को उसूल याद दिलाया जा रहा है, कहा मौला आपने कहा था हमले में इक्तदार करना हमारी शान नहीं है, अब हमला हो चुका है अब तो इजाजत दीजिए। अरे अब्बास अपनी शुजाअत का मुजाहरा करें, अल्लाह भी जानते हैं कि उसूल की गुफ्तगू खत्म हो चुकी है, अब उसूल से बात नहीं होगी, लिहाजा बड़ा अजीब अंदाज है। अरे ये अंदाज अपने शहजादे अली अकबर के साथ भी नहीं मिलता, फरमाया नफ्सी अंता या अखी, अजीब
हुसैन जैसा इमाम कहता है, अब्बा मेरी जान तुम पे कुर्बान है भाई, बस ये जुमला कहकर अब्बास अब जो कहे हुसैन करवा सकते हैं। अब्बास ने सर को झुका दिया। अब हुसैन क्या कहते हैं, भैया जाकर एक रात की मोहलत देकर आओ, मैं कहूंगा बोला ये काम किसी बूढ़े से करवा लीजिए। अरे जवान अब्बास से क्यों करवा रहे, कहा कि तुमने अब्बास के जलाल को देखा है मगर अब्बास के सबर को नहीं देखा। अरे ये ऐसा साबिर है कि लोग मेरे इमाम पर इतना पाबंद है कि जो हुक्म होगा वो अंजाम देंगे। बस अब्बास गए इस मकाम पर अब्बास का सबर देखिए कि दुश्मनों में गुफ्तगू हो रही है। अरे मोहलत दे ना दे, एक कहता है ना दे, का वो जो दुश्मन के मुंह से दीवाला छीनने की कुदरत रखता है मगर इंतहाई सबर से खामोश है और ये जुमला सुन रहा है। अरे तुमको दीनम के कुफार भी मोहलत मांगते हैं, उन्हें भी दिया जाते हैं, उन्हें भी मोहलत दी जाती है। बस अब्बास खामोश है, कई मसले से इमाम की मुखालिफत में कुछ ना हो जाए और मोहलत लेकर आते हैं। इमाम को आकर मोहलत कितना देते हैं। बस एक मरतबा जब तुर्मो दीनम का तस्किरा हुआ, यहाँ अब्बास के सबर को देखा, वहाँ गैरत के इमाम, अरे गैरत के खुदा सैयदुल साजिदी का जुमला सुनिए कि जब मदीना पलट कर जाते हैं किसी ने सवाल किया, सैयद सज्जाद से ये बताइए मौला पर सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ पड़े, सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी। तो मैं कहूँगा मेरे मौला सैयद सज्जाद के जहन में, अरे अपने भाई के सीने में कूदी बच्ची का फल का मरहला दिखा, अपने शील खार की गर्दन में तीन बार का तीर लगाई मंजर दिखा। और वो वक्त भी था जब चचा परेशानों को कटाए नहरे फुरात पर सो गया, और वो वक्त भी था जब बाबा का लाशा पामाल हो रहा था, और ग्यारहवीं के तेरे का वो मंजर भी था जब शहजादी जैनब ये कहती है कि मैंने महसूस किया कि अब सैयद सज्जाद की रूह परवाज कर जाएगी। तो मैंने एक मरतबा कहा बच्ची के अगर तुम ना रहे तो हमारा साथ कौन देगा, कहा मम्मी ये बताइए, अरे जिसका बूढ़ा बाप दस्ते रहना वापस वे घोर कफन पड़ा हो और जवान बेटा इतना मजबूत हो कि बूढ़े बाप को दफना भी ना सके तो उसे दुनिया में रहने का क्या हक है। ये सारा मंजर देखने के बावजूद मगर सैयद सच्चा जवाब देते हैं, अशाम अशाम अशाम। अरे मैं कहूंगा मौला शाम में ऐसी क्या बीत गई, तो नाजम और रिवायत सामने आती है कि सैयद सज्जाद कहते हैं जब हमें दरबार यजीद में दाखिल किया गया तो उस मकाम पे खड़ा किया गया जहाँ पर गैर मुस्लिम काफिरों को खड़ा किया जाता है। अरे वजह क्या थी, ताकि मुसलमान ये समझे कि इनकी औरतों को देखना मुबाह और इनकी खरीदो करो। उन तालीमात इलाही को हासिल करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, अपने नौजवानों की बेहतरीन अंदाज से तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुनिया और जहां में जहां जा रहे मोहम्मद के चाहने वाले मोदी नबी खुद शहर कराची के मोमिनों की जान माल इज्जत की हिफाजत फरमा, अपनी तमाम जायश हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार की शिकायत पूरी करने लायक कामिल अता फरमा, जो बेरोजगार है इसके हवाले अता फरमा, जो सामने वाले रोजगार है इसके हवाले उसका पता कर सच्चे चाहने वालों की शुमार करना।